हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विथ एंजॉय बाय एमके। और आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ एग्ज़ाम फिनिश होने के कितने दिनों बाद आपका रिजल्ट अपडेट होता है इसकी जानकारी लाया हूँ। चाहे वो जून का एग्ज़ाम हो चाहे दिसंबर का एग्ज़ाम हो, दो बार एग्ज़ाम होते हैं साल में, इग्नू के, एक तो जून में होता है और एक दिसंबर में। इसकी फुल डिटेल लाया हूँ मैं, कितने दिनों बाद आपका रिजल्ट अपडेट होता है। ये एकदम सही है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी इग्नू से पढ़ाई की है तो मुझे पता है कि कितने दिनों बाद रिजल्ट अपडेट होता है। लोग एग्ज़ाम देते हैं फिर उन्हें रिजल्ट की जल्दी रहती है कि कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले मैं आपको बता दूं, जो इग्नू में एडमिशन होता है वो दो बार होता है, एक जून के टाइम होता है और एक दिसंबर के टाइम होता है। तो जो जून का एग्ज़ाम होता है वो हमारा एग्ज़ाम होता है 1 जून से लेके 30 जून तक। ये जून की एग्ज़ाम डेट है, 1 जून से लेके 30 जून तक जून में एग्ज़ाम होता है, जिन्होंने जून में एडमिशन लिया होता है जून जुलाई वाले में। और जो दिसंबर में होता है एग्ज़ाम हमारा, वो जो एग्ज़ाम होता है वो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे कि आपकी दिसंबर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है पहले ही, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम है आपके। तो फ्रेंड्स, ये तो आपकी एग्ज़ाम डेट हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फिनिश होने के कितने दिनों बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश होगा आप चेक कर लेना, जिस डेट पे मैंने आपका रिजल्ट अपडेट बताया है उसी डेट पे ही आएगा 100%। तो फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम डेट अब मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं जून का बता दूँ, जो भी अपना एग्ज़ाम जून में देते हैं, जिनका एग्ज़ाम 30 जून को फिनिश हो जाता है, उनका जो रिजल्ट अपडेट होता है अगस्त के सेकेंड वीक में होता है, 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दिसंबर में देते हैं तो उनका दिसंबर का अपडेट होता है हमारा फरवरी के सेकेंड वीक में, मतलब 8 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अब तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका 31 दिसंबर को अभी एग्ज़ाम फिनिश होगा तो आप उसके बाद चेक कर लेना, आपका जो मैंने ये डेट बताई इसी डेट में आपका रिजल्ट अपडेट पहला अपडेट होगा, इसी डेट पर आपको मिल जाएगा। अगर 8 तारीख को शनिवार संडे पड़ता है तो एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, वरना इसी डेट पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद सोचते हैं कि अब मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, इस टेंशन में रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप टेंशन ना लें, इतनी तारीख को आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे इस चैनल को ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों का प्यार मिलेगा तभी चैनल ग्रोथ कर पाएगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ भाई लोगों। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।